वो तो मुकदमा है, अगर गोली चलती वहाँ गोली भी खाते। देखो कितनी बद्दी मजाक है यार, एक जिम्मेदार आदमी है प्रदेश का, मेरे को डोल काट रखी है भाजपा ने। मैं कहा था भूपेंद्र चौधरी को जी वोट हम देंगे मलाई तम चट्टोगे, बिल्कुल वो है कि ना अब का झटका देंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट ले रहे जी। नमस्कार, त्यागी समाज फिर से आक्रोशित हो गया है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने गाजियाबाद में मांगेराम त्यागी, बॉबी त्यागी, विकास त्यागी और अमित त्यागी के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस इसलिए दर्ज किया है क्योंकि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया था। 5 अगस्त को गाजियाबाद में भाजपा के कार्यक्रम में आए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का रास्ता तक रोक लिया गया था। समाज के लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया था। त्यागी समाज के विरोध को देखते हुए सफाई में स्वतंत्र देव सिंह ने वीडियो भी जारी की थी, लेकिन दूसरी तरफ त्यागी समाज के नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने को लेकर त्यागी समाज में बेहद आक्रोश है, साथ ही त्यागी समाज के भाजपा नेताओं के खिलाफ भी गुस्सा है। अब देखना होगा कि मुकदमे दर्ज करने के विरोध में त्यागी समाज क्या फैसला लेगा। इस घटनाक्रम पर मांगेराम त्यागी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया है कि समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की वो थी हमारी बहन बेटियों के लिए, वो तो मुकदमा है, अगर गोली चलती वहां गोली भी खाते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जी भाई सरकार का कौन सा भाई, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी, हमारे सामने बैठ कर हाथ जोड़े उन्होंने पूरे समाज के सामने जी, लगी जो गलती हुई मैं उसका अक्षमा प्रार्थी हूँ जी, और स्वतंत्र देव सिंह ने वो किया है, गलती माननी है। वीडियो देखो कितनी बद्दी मजाक है यार, एक जिम्मेदार आदमी है प्रदेश का जी, और भाई ये कैबिनेट मंत्री है जी, बड़ा मजाक है यो, क्या दिखाना चाह रहे हो तुम, या तो ये आवाज दबाने की कुछ कर देगे भाई, आवाज दबाया तो जी। हाँ तो मैं देख रहा था कि समाज के युवा हूँ मैं, काफी आक्रोश सोशल मीडिया पे इस मुकदमे दर्ज करने का दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत पूरे ही उसमें, बल्कि मध्य प्रदेश बिहार तक है, उन तक फोन आ रहे जी जी जी। अच्छा कहीं ना कहीं उन जो त्यागी समाज के भाजपा नेता हैं उन पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या? हाँ उन पे भी है जी, उन पर क्यों नहीं है, उन पर भी है। उन्हें देखो सुनो, जो ये लड़ाई लड़ रहे, जो बेचारे वहां बैठे थे जी, जो बहादुर सिपाही थे जो वहां से, वो बिना किसी उसके भाई क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी हो सका था जी, और वे डटे रहे जी, और एक है जो घर बैठे भाई, यानी के समाज के और माँ बहन और बेटियों के सम्मान सोपन उनका व्यक्तिगत लाभ हो गया जी जी, अपने व्यक्तिगत लाभ को राजनीतिक लाभ को जी, उन्होंने समाज दरकिनार कर रखा जी, उनकी भी यही बात है, जबकि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ उन्हीं की तो लड़ रहे हैं, नहीं हम कौन सा, मेरे को डोल काट रखी भाजपा ने, सही बात है, वोट हम ही नहीं दे रहे। मैं क्या कहा था भूपेंद्र चौधरी को जी, वोट हम देंगे मलाई तम चट्टोगे जी, 30% वोट दे रहा है जी, भाजपा को 70 लोक दल बजाय रही, मेरे वाले 100% दे रहे, मैं तो प्रदेश में कहा था भाई साहब अंदर जी जी, भाई कितने डीएम है, कितने कप्तान है, कितने इंस्पेक्टर है, कितने जिला अध्यक्ष है, कितने विधायक है, कितने मंत्री है, सारी पूछा उसे। अच्छा समाज को और मजबूत करने के लिए त्यागी समाज के जैसे आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपने भाक्यू के जो पद था आपके पास उससे भी आपने इस्तीफा दिया है, तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? बस रणनीति यही है जी कि पूरे देश और प्रदेश में, हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष होगा, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फिर गांव में घुस रहे हम गांव में जी, गांव में जो है ये जो एक टेंडेंसी थी भाई त्यागी कुछ नहीं है, त्यागी आपस बैठ के कर दे भाई, मेरे में आपस में संगठन नहीं है जी, तो उस बात को पर विराम लगाना बस। और जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसे लेकर क्या समाज का रुख रहेगा? समाज का रुख इनका एंटी रहेगा भाई, एक तरफ तुम मुकदमे लगा रहे, माँ बहन बेटी को कर रहे, और कोई विधायक नहीं, कोई जिला अध्यक्ष नहीं, कोई हमारे समाज का संजीव त्यागी है उसे अकाउंटेंट बना रखा है उन्होंने, जो आईपीएस है जी जी, ऐसे ऐसे करने कितने हैं। हाँ तो अब देख लो कितने हमारे समाज के इंस्पेक्टर लग रहे थानों में, कितने एसडीएम, कितने तहसीलदार,
जी जी तो बिल्कुल वो है कि ना अब का झटका देंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट ले रहे जी आप इनकी बुद्धि ठीक करेंगे ठीक है भाई साहब।